उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार ने 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक समेत 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों में संलिप्त पुलिसकर्मियों के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। आए दिन पुलिसकर्मियों की कार्यशैली और आचरण पर उठते सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाने और सकेल में तैनात आरोपों में घिरे एक एक पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की छानबीन कराने का फैसला किया है। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया टाटा समूह के नियंत्रण में जाएगा। एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया में टाटा समूह ने सबसे ज्यादा कीमत लगाकर बिड जीत ली है। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइसजेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 26,727 नए मामले सामने आए, 28,246 लोग डिस्चार्ज हुए और 277 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में बड़े फैसले लेने के लिए एक समन्वय समिति गठित करने का फैसला किया है। सूत्रों ने कहा कि पैनल में सीएम नवजोत सिंह सिद्धू और एआईसीसी हरीश चौधरी के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों से पूछा, क्या आप न्यायिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं? आप हाईवे जाम करते हैं और फिर कहते हैं कि विरोध शांतिपूर्ण है। आप सुरक्षा कर्मियों को भी परेशान कर रहे हैं। नागरिकों का भी आने जाने का अधिकार है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अक्टूबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 19 किग्रा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43.5 रुपए प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश के जिला कारागार मुरादाबाद में महिला कैदियों द्वारा गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। जिला कारागार मुरादाबाद की पहली जेल है जहां कैदियों द्वारा गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। हमें 5 से 10 हजार मूर्तियों के ऑनलाइन ऑर्डर मिले हैं। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने आतंकी साजिश रचने के एक मामले में एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक इंटरव्यू के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर पूछे गए एक सवाल पर कहा कि जनता इसको पसंद कर रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के राखामा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले में तलाशी अभियान के दौरान करीब 2 दर्जन कारतूस बरामद किए थे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक संयुक्त पहल में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम डिजी सक्षम शुरू किया। ग्वालियर से बरेली जा रही यात्री बस की भिंड जिले के गाहद इलाके में डंपर से टकरा गई। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू का डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कानून मंत्री का यह डांस वीडियो देखकर खुद पीएम मोदी भी उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाए। अफगानिस्तान के तालिबान के अधिग्रहण के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया कि भारत को दोहा समझौते के कई पहलुओं के बारे में विश्वास में नहीं लिया गया था। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।